मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसको जानना आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह करनाल शहर की कहानी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग या आप लोग कोई भी हो अपना बैंक में अकाउंट जरूर खुलवाता है, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, हर किसी का अकाउंट जरूर होता है। ऐसे किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की अपने परिवार के संग करनाल में रहती थी और उसके जो पापा थे उनको कोई काम नहीं मिलता था। कभी कभी मिलता था तो वह काम करके लाते थे। बहुत गरीब परिवार था और उसी से घर का खर्चा चलता था। जो लड़की थी वह बीए में पढ़ रही थी और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। लड़की को अकाउंट खुलवाने का बहुत शौक था। उसने अकाउंट खुलवाया और जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी थोड़ा थोड़ा जमा करके उसने बैंक में जमा करना शुरू किया और बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। यहाँ तक कि 28,000 रुपये उसने जमा कर लिए थोड़े थोड़े पैसे करके। एक दिन क्या होता, उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि मैं पैसे निकालूं अकाउंट से, तो उसे एटीएम कार्ड भी मिला हुआ था। जब एटीएम कार्ड मिला तो उसने सोचा क्यों ना मैं एटीएम चलाऊं आज। उसने उससे पहले कभी एटीएम कार्ड नहीं चलाया था। उसने सोचा मैं आज देखती हूँ एटीएम कार्ड कैसे चलाते हैं। वैसे तो वह पढ़ी लिखी थी लेकिन उसने कभी एटीएम यूज़ नहीं किया था। जब उसने एटीएम से पैसे निकालने की सोचा तो उसका जो अकाउंट था पंजाब नेशनल बैंक में था और वह पंजाब नेशनल के एटीएम में पहुंच जाती है और वहां से पैसे निकालने की कोशिश करती है। जब पैसे निकालने की कोशिश करती है पीछे से दो लड़के आते हैं, उससे पैसे नहीं निकाले जाते क्योंकि वह पहली बार यूज़ कर रही थी। इतने में दो लड़के से कहती है कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो लड़कों का समझ गए कि इसको कुछ नहीं पता। उन्होंने क्या किया, उसके जो उसने 8,000 रुपये निकालने थे, जब 8,000 रुपये निकालने थे लड़कों ने उसको 8,000 रुपये निकाल के दे दिए। अपना खुद एटीएम चलाया दोनों लड़कों ने। जब दोनों लड़कों ने उसे 8,000 रुपये दे दिए तो दूसरे लड़के को उसने एटीएम दिया और लड़की का एटीएम चेंज कर दिया और वह लड़की पैसे लेके और उनका लड़कों का एटीएम लेके घर चली गई। वह लड़की तो 8 रुपये निकाल के जब जाने लगी तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा एटीएम चेंज हो गया। और जब घर में जाती है तो उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। पहले तो 8,000 का आता जो लड़की ने खुद निकलवाए थे और फिर 10,000 का एक मैसेज आता। वह सोचते 10,000 का मैसेज क्यों है, वह चौंक जाती है कि मैंने तो सिर्फ 8,000 निकाले और बैलेंस भी कम रह गया। वह सोचने लगती है, फिर तुरंत बैंक में जाती है। जैसे बैंक में जाने लगती है रास्ते में फिर उसे एक फिर मैसेज आता है 7,000 का। 7,000 का जब मैसेज आता है वह बैंक तक पहुंचती है। बैंक में जाने के बाद जब बैंक वाले से पूछती है और तुरंत एक 3,000 का मैसेज और आता है। वह बैंक वाले को जब सारी बात बताती है तो बैंक वाले बताते हैं तुम्हारे अकाउंट से 10,000 एक बार निकाले, 3,000 एक बार निकाले और 7,000 एक बार, 20,000 और 8,000 तुमने पहली बार निकाले। ऐसे करके उसके अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लिए गए थे। सिर्फ 400 कुछ रुपए इसके अकाउंट में रह गए थे। वह बहुत डरने लगती है, तुरंत मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। जब लड़की के संग फ्रॉड का पता चलता है मीडिया वालों को, मीडिया वाले तुरंत एटीएम में पहुंचते हैं और वहां पर लड़की भी पहुंचती है। लड़की सारा बयान देती है, ऐसे ऐसे करके मैं अपने अकाउंट में से पैसे निकालने आई थी, मैंने पहली बार एटीएम चलाया था, मुझे पता नहीं था, मैंने लड़कों से सिर्फ पूछा था कि ये मेरा जो एटीएम कार्ड है वह निकल नहीं रहा। तो जब लड़कों ने सोचा कि इसको तो कुछ भी नहीं पता तो उसने उसके संग फ्रॉड कर लिया और उसका एटीएम बदल दिया और मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब एटीएम बदला, क्योंकि वहां पर दो लड़के थे, दोनों ही मेरी हेल्प कर रहे थे। हेल्प करने के बहाने उन्होंने मेरे इतने सारे पैसे निकाले। सारी बात मीडिया वालों को बताती है। अब तो पुलिस में भी एफआईआर हो गई थी। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हर किसी का अकाउंट है आजकल, हर कोई खुलवाता है अकाउंट और जिसको एटीएम चलाना आता है वह तो आराम से निकाल लेता और सावधान भी रहता है क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि आजकल बहुत फ्रॉड होता है। लेकिन जिसको एटीएम चलाना नहीं आता वह भी अपने पास एटीएम रख लेते हैं शौक से, सोचते हैं चलो एटीएम मिल गया हम भी पैसे निकालना सीखेंगे। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग एटीएम चलाना नहीं जानते तो आप अकेले एटीएम से पैसे निकालने बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। पहले से लोग वहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग आते हैं एटीएम से पैसे निकालने, और बहुतों को तो पता नहीं होता, किसी का कार्ड फंस जाता है और हेल्प मांगते हैं
हमारा कार्ड नहीं निकाला, प्लीज़ निकाल दो, ऐसे करके वो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके संग फ्रॉड करते हैं। और कई बार तो लोग एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो उनके पैसे आते ही नहीं, और उनके अकाउंट से विड्रॉ तो हो जाते हैं लेकिन उनके एटीएम से पैसे निकलते ही नहीं। ये भी सिर्फ उन फ्रॉडों का काम है, वह भी कुछ ऐसा करके रखते हैं कि एटीएम से पैसे तो निकल जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते। इसलिए मैं दोस्तों सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आपको एटीएम चलाना ना आए तो अकेले तो बिल्कुल ना जाए, उसको साथ में ले जाए। यदि आपको सीखना है एटीएम चलाना तो किसी ऐसे इंसान को साथ में लेके जाए अपने घर से, ताकि वह आपको वहाँ पर खड़े के अच्छे से सिखा सके। यदि आपको एटीएम चलाना नहीं आता तो आप अकेले बिल्कुल ना जाए एटीएम से पैसे निकालने के लिए। एक बात और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, कभी भी आप लोग एटीएम से पैसे निकालने जाए तो आगे पीछे इधर उधर जरूर देखें, क्योंकि आप लोग जब एटीएम में आते हैं तो सामने तो कोई नहीं खड़ा होता, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वह काफ़ी दूर खड़े होकर देखते रहते हैं कि कौन एटीएम में आ रहा है कौन जा रहा है, और इसलिए ये निगरानी रखते हैं ताकि वह आपकी जानकारी इकट्ठा कर सके। यदि किसी का एटीएम कार्ड अंदर फंस जाए तो किसी अन्य इंसान से ना कहें, जो आस पड़ोस में है उनसे भी ना कहें, सिर्फ उससे कहें जो वहाँ का गार्ड होता है, क्योंकि गार्ड कभी भी ऐसा फ्रॉड नहीं करेगा क्योंकि वह वहाँ नौकरी करता है, वह आपकी सुरक्षा के लिए होता है। इसलिए मैं दोस्तों सबसे ये कहना चाहती हूँ, जब तक आपका कार्ड उसमें से ना निकले आप वहाँ से हिले ना और कुछ भी ना बोले किसी को भी, सिर्फ गार्ड को ही बोले, वही आपका हेल्प कर सकता है, किसी और कोई और हेल्प नहीं करेगा। यदि आप किसी और को हेल्प के लिए कहोगे तो वह आपके संग जरूर फ्रॉड करेगा। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि एक मिस कॉल आता है उससे भी सारे पैसे उड़ जाते हैं। और कई बार कई लोग लिंक देते हैं, कभी भी हम कोई शॉपिंग करते हैं तो हमें बोलते हैं कि इस लिंक पर टच करो, जब हम लिंक पर टच करते हैं तो हमारे सारे पैसे उड़ जाते हैं। आपके पास कोई भी कभी भी लिंक आए और आपको कहे कि इस लिंक पर टच करो तो आप कभी उस लिंक पर टच ना करें, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर टच करोगे तो आपके अकाउंट से पैसे उड़ने का डर है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा फ्रॉड हो चुका, मैंने ओलेक्स में कुछ अपना सामान सेल के लिए लगाया हुआ था, इतने में मेरे को सेल के लिए वहाँ पर मैसेज आया कि मैं आपके ये लेने के लिए तैयार हूँ और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जैसे उसने मुझे बोला कि पैसे आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, उसने सामान देखा भी नहीं कितने का है कैसा है, उसने तुरंत कहा कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, आपका सामान जितने का है मैं इतने ही भेज रहा हूँ। उसने कम ज़्यादा भी नहीं बोला मुझे और मुझे लिंक में टच करने के लिए बोला, और जैसे लिंक पर टच किया मेरे अकाउंट से पैसे उड़ गए। शुक्र है कि मैंने वो वाला अकाउंट नंबर दिया था जिसमें मेरे अकाउंट में पैसे कम थे, क्योंकि मैं ऐसा अकाउंट कभी भी नहीं दिया जिसमें मेरे ज़्यादा पैसे हो, सिर्फ कम वाला अकाउंट नंबर ही दिया था और उसमें से मेरे 900 रुपये तुरंत उड़ गए। अब मुझे तब समझ में आ गया था कि मैं कभी भी इस लिंक पर टच नहीं करूँगी। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, कभी भी कोई भी आपको बोले इस लिंक पर टच करो, आपको 10 रुपये कटेंगे या 20 रुपये कटेंगे या इतने कटेंगे तो आपको ये सामान मिल जाएगा, कभी भी किसी भी लिंक पर टच ना करें, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए।